गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं यश हुसैनी बीएससी सेकेंड ईयर की फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेबलाइजेशन ऑफ गेन बाय नेगेटिव फीडबैक, यानी कि ऋणात्मक पुनर्निवेश द्वारा लब्धि का क्या स्थायीकरण, ये क्या होता है पहले हमें ये पता होना चाहिए। देखो, हमारे पास क्या होता है, एक प्रवर्धक होता है, एम्पलीफायर होता है, ठीक है, जिसमें हम क्या देते हैं, निवेशी संकेत देते हैं, इनपुट सिग्नल देते हैं और निर्गत मिल जाता है, हमारे पास आउटपुट मिल जाता है, आउटपुट संकेत मिल जाता है, निर्गत संकेत मिल जाता है, ठीक है। इसकी लब्धि कितनी होती है, इसका जो गेन होता है ना वो कितना होता है, ए, और ए इज इक्वल टू क्या होता है, वी नॉट अपॉन वी आई होता है, ठीक है, वी नॉट अपॉन क्या होता है, वी आई होता है, ठीक है। इसके बाद अगर अभी तो ये इसमें क्या नहीं है, पुनर्निवेश नहीं है, फीडबैक नहीं है, पुनर्निवेश रहित, क्योंकि इसमें कोई फीडबैक नहीं है, क्लियर है ये वाली बात। अगर हमारे पास यहाँ पर सपोज कीजिए कि एक प्रवर्धक है, एक क्या है, एम्पलीफायर है, इसमें निवेशी संकेत हमने इनपुट सिग्नल क्या दिया, वी आई, और निर्गत संकेत हमें क्या मिला, वी नॉट, यानी आउटपुट सिग्नल कितना मिला, वी नॉट मिला, निवेशी वोल्टता कितनी, वी आई, और निर्गत वोल्टता वी जीरो। पुनर्निवेश कराते हैं यानी कि फीडबैक कराते हैं, तो इसका जो बीटा अंश होता है वो निर्गत से लेकर किस में देते हैं, निवेशी में। सपोज कीजिए ये जो संकेत है वो किसके रूप में है, वोल्टता के रूप में, कितना फीडबैक हुआ है, कितनी वोल्टता आ रही है, यहाँ से वी एफ आ रही है, तो यहाँ पर हमें क्या मिलती है, वी आई एफ मिलती है। ये हम पहले की क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं। अब देखो कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, कि स्टेबलाइजेशन करना हमें किसका, गेन का, इसका मतलब क्या है, यानी कि स्थायीकरण करना है, यानी कि क्या गेन स्थायी नहीं है, क्या लब्धि स्थायी नहीं है, यही तो बात हुई ना इसकी। ऐसा क्या है, देखो ये जो प्रवर्धक होता है ना, जब हम इसको काम में लेते हैं ना, क्योंकि हम बैटरी लगाते हैं, है ना, जब हम इनको काम में लेते हैं ना, तो टेम्परेचर के कारण, ताप के कारण इसकी जो लब्धि होती है ना वो चेंज हो जाती है भैया, यानी इसका जो गेन होता है ना वो चेंज हो जाता है। पुनर्निवेश रहित में हम इसका स्थायीकरण नहीं कर सकते, पुनर्निवेश रहित में हम इसका स्थायीकरण नहीं करते कर सकते, इसका स्टेबलाइजेशन नहीं कर पाते हैं। लेकिन यदि हमारे पास क्या है, फीडबैक वाला है, कौन सी कंडीशन में, पुनर्निवेश यानी फीडबैक लग रहा है हमारे पास, उस स्थिति में अगर टेम्परेचर के कारण, ताप के कारण इस प्रवर्धक की जो लब्धि है, गेन है, गेन क्या होता है, लब्धि क्या होती है, ए इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन वी आई, अगर हमारे पास चेंज हो रही है ना, तो उसको हम नेगेटिव फीडबैक के द्वारा, ऋणात्मक पुनर्निवेश के द्वारा क्या कर सकते हैं, स्टेबल कर सकते हैं, स्थायी कर सकते हैं। आ गई बात समझ में, यानी कि हमें किसको चेंज नहीं होने देना है, लब्धि को चेंज नहीं होता है। अब देखो लब्धि को चेंज नहीं होने देना, लब्धि है क्या, गेन होता क्या है भैया, A इज इक्वल टू है वी नॉट अपॉन वी आई, तो वी नॉट क्या आएगा, A इंटू वी आई, वी आई क्या है, निवेशी संकेत है, इनपुट सिग्नल है, वी नॉट क्या है, निर्गत संकेत है, आउटपुट सिग्नल है। मान लो मैंने निवेशी संकेत दिया कितना, 5 वोल्ट, अब इसका काम क्या होता है, एम्पलीफायर का काम क्या होता है, प्रवर्धक का काम क्या होता है, प्रवर्धन करना, एम्पलीफाई करना संकेतों को, अगर ऐसा संकेत दिया है तो ये ऐसा बना देना, है ना, तो ये जो लब्धि होती है ना ये बताती है, जैसे वी आई हमारे पास 5 है तो इसकी लब्धि 2 है, तो ये कितना गुना कर देता है निवेशी संकेत को, 2 गुना कर सकता है, अगर लब्धि 3 है तो ये कितना गुना कर सकता है, कितने टाइम्स कर सकता है, 3 टाइम्स कर सकता है, तो ये हमारे पास क्या होती है, लब्धि होती है।
इसको हमें स्टेबल रखना है, इसका स्टेबलाइजेशन करना है विद द हेल्प ऑफ किसकी, नेगेटिव फीडबैक ऋणात्मक पुनर्निवेश द्वारा। तो देखो इसमें हम कुछ टर्म्स देख लेते हैं। पहले बिना पुनर्निवेश, जब हमने कोई पुनर्निवेश नहीं लगाया है, जब हमने कोई पुनर्निवेश नहीं लगाया है, प्रवर्धक की लब्धि क्या होगी, यानी कि एम्पलीफायर का गेन क्या होगा, एम्पलीफायर का गेन क्या होगा। ठीक है, ये देखो ए होता है, ए होता है, ठीक है। और इसके बाद पुनर्निवेश के प्रवर्धक की लब्धि क्या होगी, जब हमने फीडबैक लगा दिया, बिना फीडबैक के तो ये होती है, पुनर्निवेश के साथ प्रवर्धक की लब्धि, एम्पलीफायर का गेन जो होता है ना, वो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए एफ से। ठीक है, यहाँ हमने कल फॉर्मूला निकाला था, ए एफ इज इक्वल टू होता है ए अपॉन वन माइनस बीटा, प्रीवियस वीडियो में निकाल चुके हम। ठीक है, तो ये फीडबैक के साथ गेन है, यानी पुनर्निवेश के साथ लब्धि है, और ये बिना पुनर्निवेश के साथ है। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, अब बिना पुनर्निवेश के, बिना पुनर्निवेश के, यानी जब हमने कोई फीडबैक नहीं लगाया है, बिना पुनर्निवेश के प्रवर्धक का स्थायित्व गुणांक यानी स्टेबिलिटी फैक्टर देखते हैं। ठीक है, स्टेबिलिटी फैक्टर को हम किससे व्यक्त करते हैं, एस से डिनोट करते हैं। ये क्या बताता है, कितना चेंज हुआ है लब्धि में, कितना चेंज हुआ है अपॉन प्रारंभिक लब्धि। बिना पुनर्निवेश जब हमने कोई फीडबैक नहीं लगाया है, तो जो स्टेबिलिटी फैक्टर होता है ना, स्टेबिलिटी फैक्टर यानी स्थायित्व गुणांक जो होता है वो निकालते हैं हम। स्थायित्व गुणांक जितना कम होगा ना, उतना ही हमारे पास, ठीक है, उतना ही ज़्यादा हमारे पास जो लाभ होता है, गेन होता है, वो स्थायी रहता है, चेंज नहीं होता है। तो कैसे निकालते हैं बिना पुनर्निवेश के स्थायित्व गुणांक, एस इज इक्वल टू डी ए अपॉन ए से निकालते हैं इसे, इक्वेशन नंबर ए, यानी ए में चेंज डी ए अपॉन पहले कितना था ए। अच्छा, फीडबैक की कंडीशन में देखते हैं, पुनर्निवेश के साथ यानी जब हमने फीडबैक लगा दिया है, प्रवर्धक का क्या स्थायित्व गुणांक यानी कि क्या स्टेबिलिटी फैक्टर जो होता है ना, वो कैसे डिनोट करते हैं हम, एस एफ इज इक्वल टू कितना होता है, इसकी लब्धि कितनी होती है टोटल, वो होती है ए एफ, ये दी, और इसमें चेंज यानी कि डी ए एफ, इक्वेशन नंबर टू, यानी चेंज इन लब्धि, चेंज इन गेन अपॉन गेन, यानी कि लब्धि में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लब्धि, किसको डिनोट करता है, क्या बताता है, स्थायित्व गुणांक। यही तो बोल रहा है ना मैंने कि टेम्परेचर के कारण ये क्या हो जाता है हमारे पास, चेंज हो जाता है। टेम्परेचर के कारण क्या हो जाता है, ए चेंज हो जाता है, ताप के कारण ए चेंज हो जाता है, तो जितना चेंज हुआ है वो, और पहले कितना था ए। अगर ये पुनर्निवेश में देख रहे हैं तो पुनर्निवेश का टोटल ए एफ आता है, तो जितना चेंज हुआ है ये अपॉन प्रारंभिक क्या ए एफ, रट जाएगा। बस बस एक बात ध्यान रखनी है, वीडियो बिल्कुल आराम आराम से देखनी है, डबल स्पीड में करके नहीं देखनी है ना। तो देखो आगे, ताकि आपको याद हो जाए। अब देखो एक और मैंने बताया था, पुनर्निवेश के साथ यानी कि फीडबैक के साथ प्रवर्धक की लब्धि क्या होती है, प्रवर्धक की लब्धि, पुनर्निवेश के साथ प्रवर्धक की लब्धि वो क्या होती है, हमने अभी अभी पढ़ा था ए एफ इज इक्वल टू, ए एफ से डिनोट करते हैं, ए एफ इज इक्वल टू ए अपॉन वन माइनस ए बीटा, इक्वेशन नंबर थर्ड आ गई। ठीक है, नेगेटिव फीडबैक द्वारा स्टेबलाइजेशन कर रहे हैं हम, किसका, लब्धि का, स्थिर रखने की कोशिश कर रहे हैं नेगेटिव फीडबैक द्वारा, यानी ऋणात्मक पुनर्निवेश
द्वारा। अब देखो चेंज क्या होता था, चेंज हमारे पास होता था ए। अगर ए चेंज होता है ना किसके कारण, ताप के कारण, तो इसको हम क्या करना चाह रहे हैं, स्टेबल रखना चाह रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन थ्री का समीकरण तीन का क्या कर देते हैं, अवकलन कर देते हैं का ए के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशियल कर देते हैं ए के सापेक्ष, क्या कर देते हैं अवकलन करने पर, ए के रिस्पेक्ट में क्या कर देते हैं अवकलन कर देते हैं। तो क्या बनेगा देखो, डी ए एफ अपॉन क्या, डी ए इज इक्वल टू ये होगा वन माइनस ए, डिनोमिनेटर है यानी हर का स्क्वायर, वन माइनस ए बीटा का क्या होल स्क्वायर। फिर उसके बाद हमारे पास क्या होता है, डिनोमिनेटर यानी हर वन माइनस ए बीटा, और अवकलन होता है किसका, ए का, तो वो हो गया कितना वन माइनस। फिर उसके बाद हमारे पास क्या होता है, ए यानी कि क्या न्यूमरेटर अंश, और फिर डिफरेंशियल इसका, इसका अवकलन करोगे ए के रिस्पेक्ट में वन का तो हो जाएगा जीरो, और ए का करोगे तो कितना होगा माइनस बीटा। आपको आता है ये, तो ए के रिस्पेक्ट में कर दो इसका अवकलन, विदेश से थोड़ी ना आयो। डी ए एफ अपॉन डी ए इज इक्वल टू, अब इसको हम सोल्व करते हैं, क्या आएगा वन माइनस ए बीटा, वन माइनस ए बीटा, फिर आ रहा है नेगेटिव साइन, और नेगेटिव नेगेटिव हो गया भैया पॉजिटिव, ए बीटा अपॉन, और नीचे क्या है वन माइनस ए बीटा होल स्क्वायर, ए बीटा से ए बीटा क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो ये बन जाएगा डी ए एफ अपॉन डी ए इज इक्वल टू वन अपॉन वन माइनस ए बीटा होल स्क्वायर। और सॉल्व करते हैं, डी ए एफ अपॉन डी ए इज इक्वल टू वन अपॉन वन माइनस ए बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर, इसमें मैंने ऊपर ए से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, और डी ए एफ इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू ए अपॉन वन माइनस ए बीटा को ए एफ लिख सकते हैं, ए अपॉन एक वन माइनस ए बीटा को क्या लिख सकते हैं ए एफ लिख सकते हैं, लिख दिया अपॉन एक क्या बचेगा वन माइनस ए बीटा बच जाएगा, और नीचे डिनोमिनेटर में ए बच रहा है। ठीक है, यहाँ से हम क्या करते हैं, इतना निकालने के बाद बन जाएगा ये हमारे पास, बिल्कुल बन जाएगा। अब इतना जब हमारे पास हो गया ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डी ए एफ, एफ का मतलब फीडबैक है ना, और ए एफ से डिवाइड किया, ए एफ इज इक्वल टू डी ए इधर ले गए डी ए और अपॉन में क्या है ए इंटू वन अपॉन वन माइनस क्या ए बीटा आ जाएगा। तो देखो डी ए डी ए एफ अपॉन ए एफ क्या है, डी ए एफ अपॉन ए एफ एस एफ है, पुनर्निवेश के साथ प्रवर्धक का स्थायित्व गुणांक स्टेबिलिटी फैक्टर, यानी इसको किससे रिप्रेजेंट कर देंगे हम एस एफ से, और डी ए अपॉन डी ए क्या है एस, बिना पुनर्निवेश के स्थायित्व गुणांक होता है, स्टेबिलिटी फैक्टर होता है विदाउट फीडबैक। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, एस अपॉन वन माइनस ए बीटा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला निकल के आया है, एस एफ इज इक्वल टू एस अपॉन वन माइनस ए बीटा वाला, इसको देखते हैं हम। देखो अब देखो इस फॉर्मूले में क्या है, ये जो फॉर्मूला है एस एफ इज इक्वल टू एस अपॉन वन माइनस ए बीटा, इस फॉर्मूले में देखो आप एस एफ तो क्या है, जब हमारे पास पुनर्निवेश हो गया फीडबैक हो गया उस कंडीशन में स्थायित्व गुणांक है स्टेबिलिटी फैक्टर है, एस क्या है जब हमारे पास पुनर्निवेश नहीं हुआ है, ठीक है कोई फीडबैक नहीं हुआ है उस स्थिति में स्थायित्व गुणांक है, और नीचे एक टर्म आ रही है वन माइनस ए बीटा, क्या आ रही है हमारे पास वन माइनस ए बीटा। अगर हमारे पास स्थायीकरण आपको चाहिए, ठीक है स्थायीकरण चाहिए, लब्धि चेंज नहीं होनी चाहिए,
स्थायीकरण के लिए आवश्यक है, स्थायीकरण के लिए आवश्यक है, स्थायीकरण के लिए आवश्यक है कि जो स्टेबिलिटी फैक्टर होता है ना, स्थायित्व गुणांक होता है ना, का जो वैल्यू है, का जो मान होता है ना, कम से कम हो। ठीक है, कि वैल्यू जो हो वो कम से कम हो। तो देखो, 1 - A β कम होगा, 1 - A β की जो वैल्यू होगी वो कैसी होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। 1 - A β की वैल्यू क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए, ताकि SF क्या है हमारे पास, कम आए। तो स्थायित्व गुणांक इसके अकॉर्डिंग हम क्या कर देते हैं, स्टेबल कर देते हैं। किसको, पुनर्निवेश प्रवर्धक को। ठीक है, पुनर्निवेश प्रवर्धक को। तो पुनर्निवेश जो एम्पलीफायर होता है, यानी फीडबैक एम्पलीफायर होता है, पुनर्निवेश प्रवर्धक जो होता है, फीडबैक जो एम्पलीफायर होता है, में 1 - A β, 1 - A β का मान क्या कर देंगे हम, मैक्सिमम, अधिक कर, अधिक कर। ठीक है, किसको कम कर देते हैं हम, SF को कम कर देते हैं, SF कम कर देते हैं। और SF जितना कम होगा, स्टेबिलिटी फैक्टर जितना कम होगा, स्थायित्व गुणांक जितना कम होगा, उतना ही गेन या जो हमारे पास लाभ होता है वो क्या होता है, स्थायी होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, समझा सकते हैं। अब देखो, इसमें एक क्वेश्चन है, बहुत आता है यूनिवर्सिटी में, तो उसको हम देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है, बाकी जो हम डिस्कस करेंगे टॉपिक वो नेक्स्ट क्लास में। ये देखना, क्वेश्चन समझना पहले। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एक प्रवर्धक की वोल्टता लब्धि, एक प्रवर्धक की वोल्टता लब्धि, यानी कि कोई एम्पलीफायर होता है, ठीक है, और उसका जो वोल्टेज गेन है वो कितना दे रखा है, -500। ये आया हुआ क्वेश्चन है, यूनिवर्सिटी में इम्पोर्टेंट है। एक एम्पलीफायर है, एक प्रवर्धक है, जिसकी वोल्टता लब्धि कितनी है, -500 है। इसे, यानी प्रवर्धक को, इसे ऋणात्मक पुनर्निवेश, यानी कि नेगेटिव फीडबैक द्वारा -100 तक कम कर देते हैं, कम कर देते हैं। ठीक है भाई, कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। पुनर्निवेश प्रवर्धक में, यानी कि जो फीडबैक एम्पलीफायर है, पुनर्निवेश प्रवर्धक में, पुनर्निवेश प्रवर्धक में पास लब्धि यानी कि क्या, लूप गेन, पास लब्धि यानी कि क्या, लूप गेन, पुनर्निवेश अनुपात यानी कि फीडबैक रेशियो, तथा पुनर्निवेश की मात्रा, जो कि हमें किसमें ज्ञात करना है, डीबी में पुनर्निवेश की मात्रा ज्ञात करो, फाइंड आउट करना है हमें फीडबैक की मात्रा, क्वांटिटी। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहले वैल्यू पहचाननी है, क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। वैल्यू कैसे पहचानोगे, एक प्रवर्धक की वोल्टता लब्धि -500 है, कोई एक हमारे पास एम्पलीफायर है, कोई प्रवर्धक है, इसकी लब्धि कितनी है, -500, यानी ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, -500 गिवन है। ठीक है, इसके बाद ये पूछ रहा है, ठीक है, ए
इसके बाद ये कह रहा है कि इसे ऋणात्मक पुनर्निवेश द्वारा -100 तक कम कर देते हैं भैया। तो देखो अब आप समझना, ये -500 है, इसे हमने क्या दे दिया, फीडबैक कर दिया, पुनर्निवेश कर दिया और यहाँ दे दिया। तो अब इस स्थिति में लब्धि जो आएगी ना वो कितनी आती है, AF आती है। लब्धि जो आती है ना वो कितनी आती है, AF आती है। तो कितना कम कर देते हैं, AF -100, यानी कि AF की जो वैल्यू है ना वो कितनी दे रही की है, -100 गिवन है। AF कितना दे रखा है हमारे पास, -100 दे रखा है। तो हमें क्या करना है, लूप गेन निकालना है, पुनर्निवेश अनुपात और पुनर्निवेश निकालना है। तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला था, पुनर्निवेश यानी फीडबैक, पुनर्निवेश सहित प्रवर्धक की वोल्टता लब्धि, यानी कि फीडबैक एम्पलीफायर का वोल्टेज गेन, फीडबैक एम्पलीफायर का वोल्टेज गेन कितना होता है ये भी हमें पता होना चाहिए कितना होता है। तो अभी अभी मैंने डिस्कस किया था, AF इज इक्वल टू होता है A/(1 - A β) होता है, ठीक है। तो फिर यहाँ से हम 1 - A β को इधर लेंगे, 1 - A β इज इक्वल टू A/AF, ठीक है। ध्यान से सुन रहे हो, सो तो नहीं गए ना, ठीक है, जगह रहना है। देखो 1 - A β इज इक्वल टू क्या हो गया, A/AF। ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, -500। AF की वैल्यू कितनी होती है, -100। तो फिर यहाँ से जब हमारे पास ये हो जाएगा तो 1 - A β इज इक्वल टू कितना आएगा, 2 2 2 0 गई, ये आ गया हमारे पास 5 आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम ज्ञात कर लेते हैं लूप गेन यानी कि पास लब्धि। पास लब्धि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था A β होता है। तो A β की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो, A β की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो, A β को इधर ले जाओ, 5 को इधर ले जाओ, तो कितना आएगा, -4। A β की जो वैल्यू आएगी ना वो कितनी आएगी, -4, जो कि लूप गेन होता है, पास लब्धि होती है, निकल गया। इसके बाद पूछ रहा है पुनर्निवेश अनुपात, ये होता है बीटा, बताया था ना पुनर्निवेश अनुपात ये क्या होता है, बीटा होता है। तो देखो यहां से वैल्यू बनाता हूं मैं बीटा की, बीटा की वैल्यू क्या आएगी, -4/A। तो -4/A की वैल्यू, ए की वैल्यू कितनी है, -500 है, -500 है। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आता है, 0.008 आता है। तो इस तरीके से हम किसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, पुनर्निवेश अनुपात की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो थर्ड इसमें एक और पूछ रहा है मात्रा। तो मात्रा का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, n इज इक्वल टू log 10 और 1 - A β बताया था, बताया था नहीं बताया था, नहीं पता तो प्रीवियस वीडियो में देख लेना है ना, कोई दिक्कत नहीं है। n इज इक्वल टू 20 log 10 और 1 - A β की वैल्यू कितनी है, 5 है, ये 5 है। log 5 की जो वैल्यू है वो हमें रखनी है, और log 5 की जो वैल्यू होती है वो 0.6090 होती है। और यहाँ से हम n की वैल्यू निकाल लेते हैं, वो आएगी कितनी, 13.98 dB। तो अच्छा क्वेश्चन है, पूछा हुआ है यूनिवर्सिटी में, तो आ सकता है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।